गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशहाली दाता सदा सुखी रखे माता रानी। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। राहु पूर्व जन्मों के कर्म बंधन को दर्शाता है। राहु जिस ग्रह के साथ युति में होता है वैसा ही दोष होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक राहु शीर्ष है। शरीर की इंद्रियों के अभाव के चलते इसमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए ये धन के विपरीत कार्य करता है। आज जानेंगे कि राहु कुंडली के अलग अलग भाव में स्थित रहने पर क्या शुभ और अशुभ फल देता है। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। आपको कैसे देगा शुभ फल राहु को शांत करने वाले अचूक उपाय जानेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिए और गुरुदेव से आप सीधा सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल। फिलहाल जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज परिवार का सुख तो हर तरह से उत्तम रहेगा परंतु परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज के दिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा यानी कि काल्पनिक वहम पैदा हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा धैर्य से दिन गुजारेंगे तो ही उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा खट्टा मीठा दिन है। चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो उनको सफलता मिलेगी और बाकी लोगों के लिए यात्राओं का योग भी बना हुआ है, परंतु दिन के ढलते ढलते मन में गुस्से की भावना ज्यादा उत्पन्न हो सकती है और शरीर में आलस्य ज्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अपनी मानसिकता को उत्तेजित रखें, अच्छा रखें तो ही दिन उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा दिन है। आज मित्रों का साथ तो मिलेगा और परिवार की जरूरतों का भी पूर्णतः आप ध्यान रखेंगे, परंतु आपका भी गुस्सा आज ज्यादा बढ़ सकता है और किसी न किसी बात को लेकर के परिवार के अंदर तनावपूर्ण वातावरण देखने को मिल सकता है, इसलिए धैर्य बना के रखें। गुरुदेव चूंकि आज हम बात राहु की कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यही बताइए कि राहु आखिर है क्या। जितना ब्रह्मांड है सारा गतिमान है और जितने ग्रह हैं, जितने सितारे हैं सब अपनी अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। इन सबको अपनी अपनी जगह पर रखने वाली जो ताकत है इसका नाम राहु है और हमारे धरती के ऊपर भी जो गुरुत्वाकर्षण है जो इस धरती को भी घूमने पे मजबूर कर देता है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रहा है, ये इतनी बड़ी ताकत का नाम राहु है। राहु ना किसी ग्रह के रूप में आकाश में है और ना ही किसी और ग्रह के ऊपर ये किसी वस्तु के रूप में है। ये जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ताकत है उसका नाम राहु है। ये राहु के कारण ही संभव हो पाता है कि इंसान जो कुछ सोचता है जो कुछ करता है उस सबके अंदर राहु का ही मिशन होता है। वैसे भी इसके लिए कथा क्या कही गई है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त में एक राक्षस ने जिसने अमृत पी लिया था और चोरी से और उसके बाद विष्णु भगवान ने चक्कर चला के जब उसका सर काटा भी तो धड़ अलग हो गया जिसे केतु बोला गया और सर अलग हो गया जिसे राहु बोला गया। उसका कारण क्या है? हमारे दिमाग के अंदर कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड है और ग्रहों की स्थिति के अनुसार इंसान के अंदर जो काबिलियतें बनती हैं या ना काबिलियतें जो बनती हैं वो सारी की सारी राहु ही बनाता है। इसीलिए इसे ये भी शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है कि ये धर्म विहीन है। लेकिन जो लोग धार्मिक है अगर वो धर्म का कार्य करते हैं तो बेटा वो भी राहु ही देता है और जो लोग भगवान को नहीं मानते अपनी मन मर्जी से चलते हैं वो भी राहु ही देता है।
आप देखो, एक कॉलेज में से एक साल के अंदर मान लो 5000 बच्चे निकलते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग काबिल बन पाते हैं? जो उनमें से शीर्ष पे पहुंचते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, उनमें से 5 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, ज्यादा 10 हो जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए ही संभव है जिनकी जन्म कुंडली का राहु बहुत ही अच्छी अवस्था में, अच्छी राशि पे और अच्छे घर के अंदर बैठा है। और राहु ने अगर जन्म कुंडली को और इंसान के शरीर को सपोर्ट कर दिया तो इंसान इस दुनिया के अंदर सब कुछ कर सकने की क्षमता का मालिक होता है। और राहु अगर खराब हो गया तो घर के अंदर जितने क्लेश होते हैं ये राहु देता है, लोगों के जितने अचानक एक्सीडेंट होते हैं वो राहु देता है, और जितने भी इंसान के द्वारा उत्पन्न किए हुए खराब हालात उसकी सोच के द्वारा, वो सब कुछ राहु ही देता है। और राहु ही इस पूरे जगत की, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, ये होता है राहु। गुरुदेव, आपने ये जो बताया कि राहु क्या होता है, अब जरा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि राहु की वो कौन सी चाल है जो हमें परेशानियां दे सकती है। जन्म कुंडली के अंदर एक लॉ होता है कि अगर शुक्र आगे हो, बुध पीछे हो तो बुध अच्छा होता है, और जब बुध अच्छा होता है उस वक्त में राहु हमेशा ही अच्छा फल देते हैं। लेकिन इसके विपरीत, अगर शुक्र पीछे हो, बुध आगे हो तो बुध खराब होता है, और वो खराब बुध जब होता है उस वक्त में राहु खराब ही फल देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी उत्तेजना की वजह से, अपनी मानसिकता की वजह से, अपनी शक करने की आदत की वजह से बेमतलब घर के अंदर टोका टाकी कोई ना कोई परेशानी बनाई रखते हैं, अपने चिड़चिड़ेपन के अंदर किसी ना किसी का हाल खराब कर ही रखते हैं, किसी ना किसी के साथ विवाद उत्पन्न कर ही रखते हैं, और जिसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं अच्छा खासा उनका काम चल रहा होता है, लेकिन एक ईगो में आकर के अपने काम को छोड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद बहुत दुख पाते हैं, क्योंकि वो दुख पाते हैं तो परिवार भी सफर करता है। और इसके साथ ही नई नई प्लानिंगें बनाते जाना, अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझना, ये राहु की ही खराबी होती है। लेकिन ये होती कब है? जब बुध खराब होता है। जन्म कुंडली के अंदर राहु का अच्छे होने का मात्र एक तरीका कि अगर बुध अच्छा तो राहु अच्छा, और अगर बुध खराब तो राहु खराब, सिंपल। दूसरा इसकी खराबी होती है, राहु जब किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, जैसे अगर वो चंद्रमा के साथ बैठ गया उसने बुध को खराब कर देना है, सूर्य के साथ बैठ गया हमारे शरीर, हमारी आंखें, हमारा कॉन्फिडेंस, इन सबको खराब कर देगा। मंगल के साथ बैठ गया तो हमारी इम्यूनिटी को खराब कर देता है, यानी कि बीमारियां बहुत तेजी तेजी से हमें लगती है, पहले तो आदमी पहलवा नहीं करता और उसके बाद में एकदम से बीमार होना शुरू हो जाता है। बृहस्पति के साथ बैठ गया तो श्वास प्रक्रिया के अंदर को ही, इसको ही बाधित कर देता है और ज्ञान को बाधित करता है, मन मर्जी का मालिक बना देता है, याद रखने की क्षमता के ऊपर चोट देता है। और शुक्र के साथ बैठ गया तो पति पत्नी वाले सुखों का भी धुआं निकाल देता है और अपने दिमाग की शरारतें और ऐप ये इंसान के पैसे का धुआं निकाल देते हैं, और इन दोनों का निकलता है तो सेहत भी खराब होती है। और शनि के साथ बैठ गया तो कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल कुछ भी करवा देगा, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। तो राहु का तो बेटा यही सीन है, सिर्फ एक ये कहीं कुछ अच्छा फल देता है तो बुध के साथ जोड़कर के कहीं कुछ अच्छा फल देता है, लेकिन वहां पर इंसान को सेल्फिश बना देता है, यानी कि धर्म विहीन, समझे, जिसको अपनों की जिम्मेवारी का कोई एहसास नहीं रहता, लेकिन अपने लिए वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात और बता दूं बेटा, इसकी इतनी बुराई तो कर ली हमने राहु की, लेकिन दुनिया के अंदर जितने टॉप के दिमाग के लोग हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और या जितने भी बहुत अच्छा काम करने वाले लोग जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से उठ करके बहुत अच्छा नाम कमाया हो, इन सबका राहु बहुत उत्तम होता है, इस बात को कभी मत भूलना। और खास तौर पर जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र एक ही घर के अंदर हो, उनको राहु की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका राहु अच्छा होता है, ठीक है। और राहु की खराबी बेटा, अचानक एक्सीडेंट, अचानक बुखार, अचानक किसी भी साथ में लड़ाई, और ईगो प्रॉब्लम, और कॉन्फिडेंस की कमी, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ राहु की देन होती है। और अगर इस तरह के हालात हो जिसके साथ आंख बंद करके वो राहु के इलाज कर सकता है,
और राहु के इलाज में करना क्या होता है? सबसे पहले काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग टोटली बंद करना होता है। उसके बाद शराब और मांस का प्रयोग टोटली बंद करना होता है। शराब और मांस एक तरह का है। राहु को अगर आप चिंगारी मान ले तो शराब और मांस का प्रयोग एक तरह का तेल का काम करता है, जो कि इस आग को बहुत भड़का देता है और हमारे जीवन को जलाने का काम करता है। इसलिए शराब मांस से दूरी बनाकर रखें। तीसरा, ऐसे लोगों के कमरे में, सोने वाले कमरे के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे होंगे वो उतनी ही तकलीफ पाएगा। कारण ये कि हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर सोल्डरिंग हुई होती है लेड की, और जो लेड धातु है वो राहु की ही धातु है। उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो वही कार्बन वाली एनर्जी निकलती है जो हमारे दिमाग को जाम करने का काम करती है और हमारे अंदर की सहन शक्ति को खत्म करती है और जो हमारे अंदर ईगो की प्रॉब्लम पैदा करती है वो वाली शक्ति होती है इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर जो सोल्डरिंग हुई होती है उस धातु में। तो वो राहु की पक्की धातु है। तो इसीलिए जिनका राहु खराब है, मैं तो उनको ये कहूंगा कि अगर उनके कमरे के अंदर टीवी भी ना हो ना तो ये ज्यादा उत्तम है, समझे? क्योंकि ये राहु ने नहीं तो खराब करना ही करना, और उनके सोने वाले बेड के अंदर तो भूल के भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना पड़ा हो। ये चीज इनको दूर करें। अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, इनको भी जरूर निकाल के रखें, क्योंकि जो लोग खोटे सिक्के जो पहले चला करते थे या फॉरेन करेंसी कॉइन है, उन सब के अंदर बेटा लेड जरूर होता है, और वो घर पे रखना एक तरह का राहु को जवान रखना होता है, इसलिए उनको घर से निकाल के चलें। और साथ ही चाहे जितनी मर्जी, जिस तरह की मर्जी प्रॉब्लम हो, इसका एक सिंपल सा इलाज है, और वो क्या है, 43 दिन लगातार 200 ग्राम या 500 ग्राम जौ लेकर के गौमूत्र के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह कर दें, और इतनी ही जौ गौमूत्र के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे इसको दबा के रखे, राहू की शांति शांत रहेगी। और मैं फिर कहता हूं, नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग टोटली बंद कर दें। और इसके ऊपर एक और चीज बहुत अच्छा काम करती है, और वो क्या, जो भी लोग हर रोज अनुलोम विलोम करते हैं, यानी कि एक नासिका से श्वास लेना और छोड़ना और फिर दूसरी से लेना और दूसरी से छोड़ना, बेटा ये अनुलोम विलोम, ये जैसे जैसे बृहस्पति यानी कि ऑक्सीजन हमारे दिमाग में जाती है, दिमाग के अंदर की बंद नसों को खोलने का काम करती है, हमारे अंदर सब्र और धैर्य देने का काम करती है, ये जैसे जैसे होता चला जाता है, राहु का स्थान हमारे शरीर के अंदर कमजोर पड़ता चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनका राहु खराब होता है। जिनका राहु अच्छा है वो भी अगर अनुलोम विलोम करते हैं, उल्टा उनका राहु अच्छे पे और अच्छा होता चला जाता है और उनकी सोचने समझने की क्षमता और बढ़ती चली जाती है। तो बेटा ये उपाय करो और राहु के श्राप से दूर रहो। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों को आप बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा? कर्क राशि वाले अगर घर परिवार में आज अनबन से बचे, अपने गुस्से पर काबू पाकर के रखें और दूसरों को माफ करके चले तो आज का दिन उत्तम होगा। परिवार के साथ किसी यात्रा का ये संकेत भी मिल रहा है, यानी यात्रा पे जा सकते हैं और कामकाज में भी लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आज के दिन भाग्य की हर तरफ से मदद प्राप्त होगी, कामकाज में लाभ होगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा और मित्रों के साथ भी समय अच्छा व्यतीत होगा। कन्या राशि वाले आज अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। आपको अपने किसी भी काम के अंदर दूसरों की दखल अंदाजी आज पसंद नहीं आएगी और आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य पूर्ण करेंगे, लेकिन धैर्य बना के रखें, किसी के साथ अनबन नहीं करनी। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फरुखाबाद से हमारे साथ हैं अंजलि साध, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजलि। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम अंजलि साध है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1986 है। मेरा जन्म हुआ था
5:30 बजे और फरखाबाद में हुआ था मेरा जन्म स्थान। गुरु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य आगे का कैसा है, क्योंकि मैं बहुत से धोखे खा चुकी हूँ लाइफ में अपनी। अंजलि, तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल देव छठे घर के अंदर, जो कहते पति और पुत्र दोनों के सुख को यह खराब करता है। दूसरा योग चौथे घर का शनि, कहते मन की शांति घर के अंदर की सुख शांति को भंग करेगा। बहुत अच्छी मेहनत करने के काबिल और अच्छी इंसान होने के बावजूद भी तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं जज कर पाएगा और तुम्हारे घर में जिस कदर सीलन ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हें तकलीफें उतनी ही बढ़ेगी। चंद का काम करता है और पैसे कितने भी कमा लो उसके बावजूद दुखी रखता है, और इसमें अपने मन के अंदर आया हुआ दया भाव किसी के लिए भी या उमड़ा हुआ प्यार अपनी ही मुसीबत का कारण बनता है। इसीलिए राजे, जब तक इन तीनों योगों का इलाज तुम नहीं करती, तब तक तुम्हारे लिए मैरिड लाइफ के सुख, कमाई करके भी उसके अंदर बहुत अच्छा पन पाना ये, और प्लस मन की और घर के अंदर की सुख शांति और बढ़ने वाली प्रॉपर्टी और वाहन के सुख, ये सारे खराब है तुम्हारे लिए। इसको ठीक करने के लिए उपाय तुम्हें करना है, सबसे पहले चांदी की थाली में गंगा जल भर के उसको अपने कपड़ों की अलमारी में रखो और गंगा जल को कभी सूखने मत दो। हर 2-3 दिन में गंगा जल चेक करो। 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करो। और तीसरा, हर बुधवार को बकरी को काले चने खिलाओ या छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको साबुत बादाम दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, जिंदगी के अंदर खुशहाली अपने आप तुम्हारे पास चल के आएगी और इसके बाद तुम किसी से धोखा नहीं खाओगे। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक वाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश से अजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वर्ग और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। 9:35 सुबह कहाँ का जन्म है बेटा? सवाल क्या है आपका? गुरु जी, मैं परेशान बहुत रहता हूँ, पता नहीं क्या चक्कर हो गया है। बेटा, तेरी मैरिड लाइफ कैसी है? मैरिज लाइफ गुरु जी ठीक है, पर थोड़ी प्रॉब्लम थी उसी में। और प्रॉब्लम आ गई। हाँ, तुम्हारे बेटे कितने पहले ये बताओ? तो बेटे की थोड़ी जानना थी तो उसी के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। बेटा, तुम्हारी कुंडली काफी अच्छी कुंडलियों में से कुंडली है, लेकिन ये तब तक तुम्हें बहुत बुरा फल देगी अगर घर में शराब या मांस का प्रयोग हुआ। फिर ये उल्टा सारा कुछ बिगाड़ के रख देगी। और दूसरा, चंद्र मंगल का मेल जन्म कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ, कहते जिसके साथ जुड़ के जो करने की कोशिश करोगे वहीं से धोखे भी मिलेंगे, खराबी के हालात भी मिलेंगे। ये चीज, ये दूसरा योग खराब। और तीसरा, राहु देव तीसरे घर के अंदर बैठे हुए शुक्र की राशि के अंदर, ये पत्नी पक्ष हो, कमाई पक्ष हो, अपने शरीर के जोश का पक्ष हो, इन सबको खराब करता है। इसलिए बेटा, इसका इलाज अगर तुमने कर दिया तो सब कुछ अच्छा, और इसका इलाज अगर नहीं हुआ तो जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें, जो फाइनेंशियली भी, कामकाज की तरफ से भी, परिवार की तरफ से भी और दुनियादारी की तरफ से भी, ये सारी रहेंगी। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले चांदी का एक ठोस हाथी बनवाओ जो कम से कम 60 ग्राम का हो, 60 ग्राम से ज्यादा जितना मर्जी हो, लेकिन उसके अंदर कम से कम खोट होनी चाहिए एक ये, और वो ठोस होना चाहिए, उसकी सून नीचे को होनी चाहिए और राइट पांव आगे को होना चाहिए। इसको बना के बेटा स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसके अंदर डुबो के अपने सोने वाले कमरे के अंदर इसको रख लो, सबसे पहला ये। दूसरा, अगर घर में शराब मांस का प्रयोग हो रहा है या हुआ है तो बेटा एक बकरा लेके उसकी पूजा करके, उसको सेवा करके, यानी कि उसको खिला पिला के उसको जंगल के अंदर छोड़ दो। जब तक ये वाला काम नहीं करोगे हालात खराब रहेंगे। और अगर तुम्हारे फाइनेंशियली हालात बहुत ज्यादा कमजोर हैं और कामकाज नहीं तुम्हारा ढंग से चल रहा, तो बेटा 43 दिन लगातार तुम्हें रेत के बिस्तर पे सोना है। रेत के बिस्तर पे कहने का मतलब चादर बिछा के, उसके ऊपर रेत बिछा के, उसके ऊपर तुम्हें 43 दिन लगातार सोना है, तब जाकर के ये राहु का शाप खत्म होगा और तब जाकर के वो तुम्हारी सोच बन पाएगी, वो वर्किंग बन पाएगी, जिसके अंदर तुम जिंदगी के अंदर उतर के अपने कामकाजों को सफल कर सको। चंद्र मंगल 12वें स्थान का, ये भी बेटा खर्चे और मुसीबतें देता है,
और दूसरों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलने देता है। इसके लिए हर मंगलवार को दूध के अंदर हलवा बना करके स्वयं भी खाओ, लोगों में भी बांटो और परमात्मा के दरबार पे भी चढ़ाओ। अगर बेटा ये तुमने उपाय कर दिए तो परमात्मा की दया से हर सुख होगा और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा दुख तो तुम भोग ही रहे। खुश रहना। और इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र। साथ ही साथ गुरुदेव तो आपको आपकी परेशानियों का हल बता ही रहे हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई और ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप खुद जानना चाहते हैं तो करना क्या है, अपने फोन में टेल माय लक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर प्रेडिक्शन आप फ्री में पा सकते हैं। और आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहु की। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख करके चले तो हर तरह से दिन उत्तम है। आज घर परिवार में या किसी मित्र रिश्तेदार के यहाँ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप। लोगों के साथ मधुर संबंध बनेंगे और नए नए मित्र आज आपको मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परिवार का सुख भी अच्छा बना रहेगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, कामकाज में बरकत होगी और नए नए मित्रों का साथ मिलेगा आज। गुरुदेव, राहु के बारे में हम बात कर रहे हैं। राहु का नाम अक्सर जब भी सुनते हैं तो डर लगने लगता है। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि राहु किसी स्थिति में शुभ फल भी देता है क्या? राहु की सबसे ज्यादा उत्तम अवस्था क्या है? उत्तम अवस्था यही है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ हो, जहां पर वो शुभ माना जाता है, जैसे दूसरे, पांचवे, नौवे और बारहवें स्थान पर, और बुध छठे या सातवें घर के अंदर हो या जन्म कुंडली के दूसरे या चौथे घर के अंदर हो तो राहु बहुत ही उत्तम फल देता है। ये जो मैंने योग बताया मैं एक बार फिर बता देता हूं बेटा, बृहस्पति दूसरे, पांचवें, नौवें या बारहवें घर में हो और बुध छठे या सातवें घर के अंदर हो तो राहु जन्म कुंडली के अंदर जिस घर में भी बैठेगा बेटा उस घर के अनुसार आपको अच्छे से अच्छा फल देगा। जैसे अगर लगन में बैठ गया तो इंसान अफसर बनेगा, धन भाव में बैठ गया पूरे परिवार को उठाने वाला और अच्छा व्यापार करने वाला बनेगा, तीसरे घर में बैठ गया लोगों की भलाई करने वाला और परमात्मा की दया से भाई बंधुओं को तारने वाला बनेगा, चौथे घर में बैठ गया तो प्रॉपर्टियां कैसे इकट्ठी करनी और उनसे संबंधित धंधे क्या करने वो दे देगा, पांचवें घर में बैठ गया तो बुद्धि को इतना शार्प बना देगा कि जिंदगी के अंदर कुछ भी संभव करता है अपने दिमाग से। इसी तरह अगर खराब हो गए और अपने स्थान पर नहीं हुए तो राहु ने बुरा फल देना ही देना है। और एक लॉजिक आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर शुक्र पहले घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो तो समझ लो कि राहु ने खराब ही फल देना है और तब राहु के इलाज किए बिना जिंदगी के अंदर और कोई चारा नहीं रहता। और एक अकेला राहु अच्छा हो गया तो बेटा बाकी के ग्रह चाहे खराब भी बैठे हो, सूर्य मंगल कुछ भी बिगाड़ रहे हो, शुक्र कुछ भी बिगाड़ रहा हो, एक अकेला राहु इंसान को राजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चाहे इंसान एक फकीर के घर में पैदा हुआ हो उसके बावजूद भी इंसान अपने कर्म से, अपनी सोच से दुनिया के अंदर इतना सुख तो इकट्ठा जरूर कर लेगा कि रोज के कई सैकड़ों लोगों को भी सुख देने के काबिल बन जाएगा। तो बेटा राहु की ऐसी स्थिति है जो इंसान को कहीं तक भी सुखी कर सकती। अगर राहु अच्छी स्थिति में है और इतने अच्छे फल देता है गुरुजी, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि राहु को शांत करने के अचूक उपाय कौन कौन से? राहु कभी भी शांत नहीं हो सकता। एक जब बीमारियां देता है, ऐब देता है और इंसान को गर्म मानसिकता देता है, ईगो देता है, उसको शांत करने के लिए मैंने आपको बताया कि जौ वाला उपाय सबसे उत्तम है। एक दूसरा उपाय होता है जिसके अंदर हम राहु को खत्म कर देते हैं एक साल के लिए, और वो कब करते हैं हम, जब भी इंसान को ये पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाता है, अचानक उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, अचानक आपने देखा होगा कि बहुत सारे निर्दोष लोग खामखाई में फंस जाते हैं, वो राहु की ही शर्त होती है। इस तरह का मैं एक वाक्य बता देता हूं कि मेरा एक क्लाइंट, ये काफी साल पहले की बात है, मैंने उसे कहा कि इस वक्त में तेरा बहुत बुरा राहु आया हुआ है बेटा,
ये कच्चे कोयले जाके जल प्रवाह कर दे। उस लड़के ने अपना बिजी होने की वजह से चार दिन ये उपाय नहीं किया। पांचवें दिन वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरवा रहा था, सामने उसे कोई जाना पहचाना चेहरा लगा तो उसने उसको आवाज मार के उसके जाके साथ हाथ मिलाया और उसको बताया कि स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे, सो एंड सो, उसके साथ मिला और वो चला गया। अगले दिन उसके घर पे पुलिस आई और उसको उठा के ले गई कि उसकी कार के अंदर नोटों से भरा बैग रखा हुआ था जो तूने चोरी कर लिया। उसने कहा मैं नौकरी करने वाला पर्सन हूं, मैं ऐसे काम क्यों करूंगा। उसने अपनी कंपनी में फोन करवाया, उसकी कंपनी में जिसने फोन उठाया उसने उसके नाम को पहचानने से भी मना कर दिया, कहता नहीं ऐसा कोई आदमी काम नहीं करता। पुलिस वालों ने उसको और मारा। तो जब राहु खराब होता है तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है, और इस तरह की सिचुएशन हो तो घर का कोई भी मेंबर वजन के दसवें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के जल प्रवाह कर दे। और कच्चे कोयले जल प्रवाह करने से बेटा पॉल्यूशन नहीं फैलता, पानी के अंदर की भी जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको इकट्ठा करके वो कोयला साइड पे ले जाता है और उल्टा पानी को प्योर करने का काम करता है। ये भी ध्यान रखना, इसलिए गलत नहीं है ये उपाय। ये करके बेटा राहु उसी वक्त जितनी ज्यादा खराब ऊर्जा होती है उसको लेकर के बैठ जाता है और इमीडिएटली जिंदगी के अंदर सुख आता है। तो इसीलिए ये सबसे खराब अवस्था है, इसका ध्यान जरूर रखें। और जब भी कोर्ट कचहरी, पुलिस का मामला या झूठे इल्जाम लगने वाले हालात हो तो ये उपाय सबको आराम देगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी ही रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि के बच्चों के लिए तो आज का दिन उत्तम है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो चाहे खेलकूद हो, परंतु बाकी के लोगों का बेवजह के किसी के साथ विवाद परेशानी का कारण बना सकता है, इसीलिए गुस्से पर नियंत्रण बना करके रखें और हो सके सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ाकर तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज अपने बड़ों का आदर करने में तो आप अग्रणी रहेंगे, आपके लिए सामान्य हालात से बने रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है और शरीर में आलस्य उत्पन्न हो सकता है और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कतें महसूस होंगी। मीन राशि वालों के घर में किसी न किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है, धन का अधिक खर्चा होने की पूरी संभावना बनी हुई है, वैसे परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मन प्रसन्न रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव आगे बढ़ते हुए लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ अनामिका अवस्थी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनामिका अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। जी, सबसे पहले आप अपने बेटे के जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल पूछिए। मेरा नाम अनामिका अवस्थी है, लखनऊ से है। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है, उसका नाम शांत अवस्थी है, 16 मई 2012 को पैदा हुआ था, 3:23 पे लखनऊ में ही। इनके भविष्य के बारे में पूछना था कि क्या करेंगे आगे, और ये थोड़ा बीमार रहता है। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही खराब शनि इसके लग्न के अंदर है। जब लग्न के अंदर शनि होता है तो ये करता क्या है, जो खराब वाला होता है सबसे पहले इंसान को बीमार रखता है, खांसी या जुकाम से संबंधित दिखते भी देता है क्योंकि शनि ठंडा है बर्फ की तरह, और ये बुद्धि को जाम करता है, इंसान को ईगो देता है, या तो पढ़ाई में दिक्कत देता है, और अगर कहीं बच्चा पढ़ जाए तो पढ़ने के बावजूद भी उसका स्वभाव इस तरह का होता है कि किसी के साथ पूरा एडजस्ट ना होने के कारण किसी भी माहौल में इसके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम बनती है और जिसके कारण ये अपने कामकाजों को खराब कर लेता है, ये चीज। दूसरी बात, इसकी कुंडली के अंदर सूर्य बुध केतु का मेल अष्टम भाव में, यानी कि हर वक्त टेंशन देने और लेने वाली सिचुएशन को हमेशा बना के रखना और मामले खराब रखना। तीसरी बात, शुक्र के 9वें स्थान पर बैठने के कारण मंगल खराब, और मंगल खराब लाभ स्थान के अंदर नीच के स्वयं बैठे हुए ये पिता के घर के अंदर भी जो समृद्धि पूरी तरह से आनी चाहिए उसको किसी न किसी रूप में कमजोर करते हैं। तो इसके लिए उपाय, सबसे पहले 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको घास वाली जमीन में दबा दो, और बच्चे को एक आदत डालो कि हर रोज सुबह ज्यादा पानी, थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाए, ये उपाय करना बहुत जरूरी है। फिर साल में एक बार
काले सफेद कंबल के अंदर कांच के मर्तबान में गुड़ भर के वो उसके अंदर रख के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना, ये हर साल करना है। और अगर इसको और शार्प और बहुत अच्छा करना है बेटा, तो इस बच्चे का राइट कान छिदवा के उसके अंदर स्टड यानी कि थोड़ा सा सोने का टुकड़ा जरूर पहना दो। और सिर्फ सोना पहनाया जा सकता, कोई और धातु बिल्कुल नहीं पहनाई जा सकती, इस बात का खास ध्यान रखना। अगर ये उपाय कर लिए तेरा बच्चा काबिल रहेगा और इतनी पढ़ाई बहुत अच्छी ऐसी कर जाएगा कि जिसके अंदर ये स्वयं नौकरी पे जाए और इसका जीवन बहुत अच्छा चले। पर अगर तुमने अभी ये उपाय नहीं किया और बढ़ के पेड़ वाला उपाय अगर बीच बीच में छोड़ दिया सालों के लिए, तो इसका स्वभाव बिगड़ जाएगा और तब मामले खराब रहे। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो आप gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 21/12/1966। ठीक है, समय 10:18 PM। जन्म का स्थान क्या है आपका? कटनी मध्य प्रदेश। सवाल क्या है आपका? ये काम करता हूँ ऑटोमोबाइल्स का और बहुत सालों से कर रहा हूँ और गुरुजी के सब उपाय कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या कोई व्यापार बदल सकता हूँ, लाठी शक्ति टाइप का काम कर सकता हूँ क्या? और मैं अभी गुरुजी से बात हुई थी, गुरुजी ने बोला था 43 दिन केले रख देना। बेटा इसके अंदर केले मंदिर के अंदर रखने वाला उपाय बहुत उत्तम तुमने किया। दूसरा, अमावस के दिन खीर मंदिर में देना, ये भी बहुत जरूरी है। और खास तौर पे श्राद्ध के अंदर अपने पितरों का श्राद्ध करना चंद्रमा को बहुत प्रबल करेगा और तुम्हारे कामकाज को अच्छा करेगा, ये दूसरी चीज। और तीसरा, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल के अंदर 1-2 बार खाना खिलाना तुम्हारी कुंडली का अंधापन समाप्त करता रहेगा, क्योंकि शनिदेव 7वें स्थान पे, सूर्यदेव 4थे स्थान पे, इसे पंजाबी में बोलते हैं अंधराता टेवा, यानी कि जो आधा अंधा होता है, जो कुंडली पूरी तरह से फल नहीं देती। इसीलिए दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में 1 या 2 बार खाना खिलाना तुम्हारी कुंडली को बहुत अच्छा करेगा और तुम्हारी कुंडली के अंदर ज्यादा उपायों की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र इतना सा करो। इसके अलावा अगर तुम इस वक्त में किसी भी प्रकार का व्यापार बदलना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी उत्तम है और समय ये तुम्हारे बिल्कुल साथ देने वाला समय चल रहा है। और क्योंकि तुमने ये उपाय भी कर लिया, इसीलिए किसी भी तरह की सब्जी अनाज के काम, किसी भी तरह के उत्पादन के काम या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि कहीं पर भी सप्लाई के काम समझिए, और किसी भी तरह की एजेंसी के काम, सारे के सारे तुम्हें बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। हाँ, शर्त एक है, गले में सोने की चेन होनी चाहिए और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाना है। और कुत्ता घर पे पाल लो, अगर जिंदगी में बहुत तरक्की चाहते हो तो कुत्ता साथ में घर पे पाल लो। और दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना बिल्कुल नहीं भूलना, इनको करो बेटा, दाता खूब सुख देगा। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को हमेशा की तरह आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा रोज में जो भी ग्रह चल रहा होता है उसके अनुसार ही गुरु मंत्र देता हूँ, लेकिन आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा सच बताता हूँ, क्योंकि राहु की बात हो रही है तो ये राहु से रिलेटेड भी है किसी हद तक। राहु का काम है किसी भी चीज के लिए धैर्य को खत्म करके जल्दबाजी के अंदर सिचुएशन क्रिएट करवाना। जैसे शादीशुदा जिंदगी में अगर पंगा है तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाना और इमीडिएटली बहुत जल्दी करना और आवेश में आकर के अलग अलग होना और उसके बाद में एक दूसरे के ऊपर केसेस करना, एक दूसरे को बुराइयां देना। और इसी तरह से आप लगा लो कि किसी यार दोस्त के साथ हो जाए या पार्टनर के साथ हो जाए या घर के किसी मेंबर के साथ लड़ाई हो जाए, तो यही सिचुएशन पैदा होती है बेटा। और इसके अंदर राहु का मतलब होता है गोली, तेज गति, यानी कि जब जब भी आप अपने जीवन के अंदर धैर्य को त्याग देंगे राहु जवान हो जाएगा। आप देखते हैं ना कि सारी दुनिया कहती है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कुछ नहीं बेटा, मेडिटेशन सिर्फ एक चीज है कि इंसान को सब्र करना सिखाती है, धैर्य अपनाना सिखाती है। और जो भी सिचुएशन पैदा हो रही हो वो अगर आपके खिलाफ है, आपको बुरा लगने वाली है, उसके अंदर धैर्य बना करके थोड़ी देर सोच के उसके बाद एक आध नपे तुले शब्दों के अंदर जवाब देने का नाम
ये मेडिटेशन है, जिसके अंदर ऑलरेडी ये गुण है तो बेटा उसे मेडिटेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं, और ये जरूरत उनको पड़ती है जिनके अंदर ये गुण नहीं है। ठीक है, तो अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो और कैसी भी हो, चाहे बच्चे दुखी कर रहे हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट मत करो कि मैं मारूंगा या मारूंगी और एकदम तो डांटने लग जाना और घर का माहौल बिगाड़ के रख देना। नहीं, भाई बहन के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, किसी के साथ हो, उस वक्त टोटली शांत हो जाइए और ऐसे शांत हो जाइए कि अब उस वक्त का इंतजार करिए जब आप प्यार से बैठ के इस बात को जरूर करेंगे, क्लैरिफाई करके इस बात को खत्म कर देंगे। इससे बड़ा गुरु मंत्र आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता, और ये घर पे भी, बाहर भी, यार दोस्तों के साथ भी, काम वाली जगह पे भी, सब जगह बेटा इसको एप्लीकेबल करो। और जिस इंसान ने अपना धैर्य उत्पन्न कर लिया, धैर्य अपना बढ़ा लिया, वो इंसान जिंदगी के अंदर किसी भी पड़ाव के ऊपर फेल नहीं हो सकता और उसके बाद जिंदगी सदा अच्छी बनी रहेगी। खुश रहे। तो आज का शो देखने के बाद आपकी कुंडली में राहु से जुड़ी जो भी दिक्कत आ रही होगी, जो भी परेशानी आ रही होगी, वो अब जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सुखी रखे, सदा खुशियां बख्शेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।